करनाल में संत निरंकारी सत्संग मिशन की ओर से रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण को साफ सुथरा एवं सुरक्षित रखने के लिए पौधे लगाए गए और आई हुई संगत को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से ऑक्सीजन पैदा होती है और बिना ऑक्सीजन के व्यक्ति एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। इस मौके पर संत निरंकारी सत्संग मिशन के गद्दी निशन सतीश हंस जी महाराज द्वारा आई हुई संगत को अपने मुखारविंद से प्रवचन देकर निहाल किया गया। गौरतलब है कि संत निरंकारी मिशन द्वारा समय समय पर धार्मिक कार्यों के अलावा भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है, जिसके चलते रक्तदान करना मुख्य रूप से है। देखिए एक रिपोर्ट। पावन पवित्र जन्मदिन और इसी उपलक्ष्य में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा पूरे भारतवर्ष में 1166 जगह पर ये सफाई अभियान और पौधारोपण किया जा रहा है और ये सिलसिला सतगुरु बाबा जी द्वारा 2003 से शुरू हुआ और 2010 से लगभग 700 रेलवे स्टेशन पूरे भारतवर्ष के लगातार 6-7 साल अडॉप्ट किए गए और जिनका सफाई अभियान किस प्रकार हुआ कि आज भी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को ब्रांड एम्बेसडर भारत स्वच्छ अभियान ये भी पीएमओ द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निरंकारी मिशन को ये मान सम्मान दिया गया। आज उसी उपलक्ष्य में हर साल की बातें इस बार प्रबंधक महात्माओं ने ये फैसला लिया कि प्रेम नगर के जो स्कूल हैं, चाहे वो गर्ल्स है बॉयज है राजकीय स्कूल, उनका पौधारोपण व सफाई अभियान किया जाए ताकि जो बेस है बच्चों से ये हमारे में आदत डल जाए बचपन से ही कि सफाई अभियान और पौधारोपण हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। और बाबा जी स्वयं कहते थे कि प्रदूषण चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो दोनों ही हानिकारक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।